वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश लागू होने के बाद बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में रेत का अवैध खनन अभी भी हो रहा है। जिले के ग्राम पंचायत त्रिशूली पंचावल के सीमा पर पागन नदी पर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। रेत खनन में सैकड़ों ट्रक के साथ साथ मशीनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। इन सब के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं रेत खनन के विरोध में स्थानीय लोगों ने ट्रकों के आने जाने वाले रास्ते को भी काट कर प्रदर्शन किया। लोगों ने सर पर दौड़ती ट्रकों से हादसे की आशंका भी जाहिर की है। SDM ने कहा कि हम तत्काल पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई करेंगे। NGT की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 15 जून के बाद नदियों में उत्खनन नहीं होता है। इस संबंध में हमारे पास पूर्व कुछ शिकायतें आई थी जिस पर हमने कार्रवाई भी की थी, और अभी इस संबंध में यदि कोई और शिकायत हमारे पास आती है तो इस पर हम माइनिंग विभाग को भी अवगत कराएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। कुंदरू, तालकेश्वरपुर और पचावल आप जा करके देख लीजिए, आज भी सैकड़ों ट्रक और नदियों में 7 से 8 पोकलेन जो है मशीन जो है बालू जो है लोड कर रहा है। आम लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस मामले को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए और जो है यहाँ जो है बालू जो है रोक लगे, और फिर जब NGT ख़त्म हो जाएगा फिर अपने प्रक्रिया के तहत उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदरू ग्राम में जो यहाँ से साइड से 3 किलोमीटर ऊपर है, आगे क्या बोलते हैं UP पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक बच्चा अभी जो डेट कर चुके हैं ट्रक से दब के, उस पर भी इन लोग 50,000 दे के मिला उला के उन लोग केस को ख़त्म करवा दिए हैं, जो कि इस पर शासन को एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि बालू के चलते अगर किसी का जान चला जा रहा है, किसी को कोई नदी तरफ डूब के मर जा रहा है, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। शासन को इस पर लेना चाहिए था कुछ ना कुछ एक्शन।